तेरा बेबी तुराब ने ना मुझे बुलाया है, कहता मिनी जू में आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी चलते हैं। क्या हो गया तुराब? हैं यार, क्या हो गया? इसको की तबीयत सही नहीं है। ओए क्या हो गया यार? मैंने अभी इसको खाना खिलाया है, हाँ, तो इसने फौरन उल्टी कर दी। ओए देखो मैंने तस्वीर भी बनाई है, ये क्या देख रहे हो? मतलब कुछ ऐसा था कि खाने में कुछ था क्या? समझ नहीं आ रही। इसने नहीं की? ये बिल्कुल ठीक है, एक्टिव अच्छा है। और इसने खाना भी स्लो स्लो खाया। अच्छा। और तकरीबन 10-12 सेकंड के बाद ना फिर इसने ना उल्टी कर दी। वो देखो कैसे लेटी पड़ी है यार, कुछ मतलब मूव कर रही है। हाँ वैसे ठीक है, हाँ बस वॉमिटिंग की है इसने। अच्छा, पेट का इशू है मतलब इसके? तकरीबन ऐसा ही होगा, पेट का। फिर इसका इलाज भाई, इलाज यार यूं करते हैं, जहाँ से डॉग लिए हैं उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कौन सी सीरप देनी चाहिए, नहीं तो फिर वेट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना इसको। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। टेंशन ना लो, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ भी नहीं होगा आपको। तुराब भाई ये खाए ना, ठीक है ना, इसको फौरन सीरप लेके आए, और इसको खाना पीना बिल्कुल नहीं देना आपने, जो मैंने आपको बोला है कच्चा कीमा खिलाना है इसको बस। ये जितना इसने बाहर निकाला है। चलो भाई जल्दी से इलाज करो, चलो चलो आ जाओ। यार अभी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पर, जो दवाइयाँ जरूरत है ना वो ले लेते हैं। यही है? ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार हम अपने न्यू डॉग के लिए ना मेडिसिन लेकर आए हैं, और हम इसको अब देने वाले हैं। सिटन को खोल दो जरा, खोलो खोलो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ऐश क्या हुआ आपको है? इसको दवाई दे दो यार। बस दवाई देंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। चलो चलो, जब तक तो आप दवाई बना रहे हैं ना, मैं इनको ना वॉक करा लेता हूँ और देख लेता हूँ दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो कैसी और ये कैसा है। आ जाओ दोनों, आ जाओ दोनों दोनों दोनों। ये देखें कैसे भाग के जा रहे इधर, और वो देखें आराम से चल रही है। तो अभी क्या करने लगे यार, इसको दवाई पिला लेते हैं। पिला लो भाई साहब। इस तरह इंजेक्शन से पिलानी है? अच्छा, इससे कुछ होगा तो नहीं इसको? नहीं नहीं। चलो पिला लो। ओए सही है सही है सही है सही है। मैं तो कहता हूँ अभी पिलाइए ना, अभी ठीक हो जाए, इतना जल्दी हो जाए, मैं तो यही चाह रहा हूँ। तुम क्यों काट रहे हो? अरे एक दवाई तो पिला ली, अब दूसरी भी पिला लेते हैं, तो यही दुआ करेंगे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, दवाई असर दिखा दे बस। ओए उधर नहीं जाना, इधर कचरा है, कचरा। वो देखो कबूतर के पीछे भाग के गई है, हैं? वैसे आराम से चल रही थी, उल्टे काम करने आते हैं इनको, चाहे जैसी भी तबीयत हो आराम से रुक जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त की तबीयत खराब है, आराम से चल रहा है, पता ही नहीं इसको, आइडिया नहीं है कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, अपने काम में लगा। ऐ मेरा हाथ नहीं काटो, हाँ खाओ खाओ, मुझे ही खा लो तुम। तेरा भी दूसरी दवाई भी तुरा पिला रहे हैं इनको। इसको हटा दो यार, तंग कर रहे हैं मुझे। तुम तो ठीक हो, तुम तो आ जाओ। चलो मैं पकड़ लेता हूँ इसको, पिला लो पिला लो। तो आज दोस्तों हमने सोचा हुआ था कि हम दोनों डॉग्स को नहलाएंगे, लेकिन न्यू डॉग की तबीयत ख़राब है, तो हम अभी इनको नहीं नहला सकते, ये ना हो कि मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाए। तो चलो भाई बंद हो जाओ बंद हो जाओ। और अभी हमें बताया गया है कि इनको खाना भी नहीं देना, अभी इनको तकरीबन शाम के टाइम डाइट देनी है। और क्या करना है कि डाइट में आपने इनको कच्चा कीमा खिलाना है, छोटे सी बॉल्स बना के ना दोनों को इसी तरह से देना है। तो अभी ये ऐसे यहाँ पर रेस्ट करेंगी, चलो यहाँ पर रेस्ट करो यार, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी तुम, दवाई दे दी है। चलो ऐसा तो जो सेट यार, इसका क्या कसूर है? नहीं इनका टाइम हो गया ना बंद करने का, इनको शाम को खोलने का। चलो भाई अच्छा। बस यार यहाँ पर ये रेस्ट करेगी इंशाल्लाह। आपने भी दुआ करनी है कि हमारी ये डॉग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, प्रे करनी है हमारी इस डॉग के लिए। इधर तुम्हें एक चीज दिखाऊं। लगे लग गए ये देख रहे हो यहाँ कौन बैठा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टर्की बर्ड कुड़क होने वाली है। ये देखो अब ये उठ भी नहीं रही, ये देखो बैठ रही है वापस। हेलो कैसी हो टर्की बर्ड? वही ना, अब कुड़क होगी है, अभी नीचे नहीं रख सकते, अभी सिर्फ ये शुरुआत है कुड़क की। अच्छा, तकरीबन एक या दो दिन के बाद ये पक्की कुड़क हो जाएगी दोस्तों, और फिर हम अपनी टर्की बर्ड के नीचे अंडे रख देंगे। ओए क्या किया? काफी टाइम से ना ये कुत्ता छोटे वाला पप्पी है, हमारी ब्लैकी को देख के ना भौंक रहा है, पता नहीं क्या चिढ़ा रहा है उसको, क्या कर रहा है वो, तो भाई देख रही है उसको काफी देर से, गुस्से से देखी जा रही है। वो कुछ कर भी नहीं रही है, छोटा सा, इसको क्या करूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम जाओ, क्यों बैठी हो यहाँ पर, जाओ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये वाली डॉग देख रहे हो, इसकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ जी, इसको इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन भी लगेगा, और डॉक्टर को भी दिखाना है, ठीक है? मुझे नहीं लगाना इंजेक्शन, तुम्हें भी लगाना पड़ेगा।
क्योंकि आपके हाथ में ना जरासीम थे, आपने टच किया इसको, फिर वो बीमार हो गई। आपको दो इंजेक्शन लगेंगे, उसको एक लगेगा, ठीक है? नहीं। और क्या? कल भी तो लगाया था, कल लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नहीं लगाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ जी, हाँ इसने फिर उल्टी की है, फिर मोशन की है। हाँ जी, ठीक नहीं है इसकी तबीयत, तो डॉक्टर के पास चले। चलो बस बस डॉक्टर के पास। आप नहीं चलो, आप रुको नहीं तो आपको इंजेक्शन लग जाएगा। इसको पैक करो, इसमें डालो, बॉक्स में डालो, चले अभी निकलो फौरन से, पहले यार ये चला गया अंदर। तुम तो ठीक हो यार, तुमने जाना डॉक्टर के पास तो ठीक है, ले चलते हैं तुम्हें भी। ओ, चलो इसका दोस्त है, इसका दोस्त है, इसके प्यार करेगा। हाँ, इसको अंदर भी जाओ, जाओ 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 जाओ। मैं भी तो जाऊंगा आपके साथ। इसमें जाना है, जाओ। तो अभी दोस्तों हम ना अपने न्यू डॉग को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है। तुम क्यों लेट गए ऐसे? कहता तो मैं भी साथ जाऊंगा। आप इधर ही रहो, तुम्हारी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। चलो भाई चलो। मैं यार शयान, इंजेक्शन लग जाएगा शयान? मैं वो भी डॉगी वाला नहीं। तो यार शयान भी जिद कर रहे, बैठो यार, कोई नहीं देख लेंगे। चलो भाई चलो चलो, डोंट वरी डोंट वरी, डॉक्टर के पास आ गए, तुम ठीक हो जाओगी। ये न्यू नहीं है, तो तीसरा दिन है आज इसको। अच्छा। और ये सुबह से मतलब सुस्त सुस्त नज़र आया मुझे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम था ना, मुझे इतना आइडिया नहीं था इनके रूटीन का। मैंने फिर इसको खाना दे दिया, चिकन और बॉयल चावल, तो इसने शौक से नहीं खाया, हल्की हल्की जुबान मारी, थोड़ा सा खाया, फिर तकरीबन कुछ सेकंड के बाद ना ये वॉमिट कर दी इसने। और इस सुबह जब मैं आया ना इनके घर में ना, काफ़ी ज़्यादा घर ना स्टूल पड़ा था ना, और इसी का था। तो यार हमने हस्की का टेम्परेचर चेक करवा लिया है, टेम्परेचर नॉर्मल है ना, तो आप टेम्परेचर नॉर्मल है, बाकी इतने खतरे वाली बात नहीं, डॉक्टर ने ये कहा है। डिहाइड्रेशन भी नहीं है। हाँ, तो जितना थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होगा वो अभी कर रहे हैं इसका, उसके बाद इसको हम घर ले जाएंगे। अलहमदुल्ला दोस्तों, ट्रीटमेंट हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं, थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है, वो हम मेडिकल स्टोर से ले लेंगे। तो चलो सिद्धैन, चलो चलो, इंशाल्लाह यार ठीक हो जाएगी, तसल्ली होगी हमें। ओ यार सिद्धैन, ये सामान शयान को दे दो ना, मैं कैसे उठाऊंगा। आ गई, आ गई यार, कैसे बैठा हुआ था गेट के आगे, तो आप इंतजार में जैसे बैठा हो। हट जाओ, खोलने दो। आ गई आ गई आ गई, देखो अंदर, तुम नहीं जाओ, चलो भाई। हाँ, अब देखो कैसी है तबीयत। आ, 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 आ। ये तो भाग रहा है, ये भी पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है देखा जाए तो। हाँ बस यार, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। और ये देखें दोस्तों, हम ना इसके लिए पेडिग्री फूड भी लेकर आए हैं, अल्लाह करेगा। तो कब देना है, अभी देना है या बाद में देना? रात के 8-9 बजे डॉक्टर ने बोला था देना है, और इसकी कुछ सिरपें भी हैं, वो भी हमने रात के 8-9 बजे देनी है, तो अपने हाल पर छोड़ देते हैं। और एक और काम उन्होंने बोला है, ये देख रहे हो सिप्टन? हाँ। उन्हें बोले भाई ये कच्ची जमीन ना रखें आप। अच्छा। यहाँ पर टफ टाइल बिछवाएं। अच्छा। और इसकी पहले जाके फौरन फौरन सफाई कर लें। चलो। ये काम अभी करना है सिप्टन, चलो चलो फिर। ये काम मैं करूंगा और थुराप करेगा, और तो कोई नहीं करेगा, करते हैं। सफाई करने से पहले ये वाले परिंदे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार आज देखे मौसम ठीक है, मतलब हल्के हल्के बादल है और सूर्य छुपा हुआ है। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार सारे परिंदों को खाना डाल दिया, बस एक को रहता है, इसको मैं डाल देता हूँ। और इसके काम देखो तुम, हैं? हटो हटो हटो, क्या हो गया यार, उल्टी चीजें खाते हैं फिर उनका पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, अब ये देखो ये खा रहे, चाहिए खाना है? नहीं यार। हाँ, और ये बहुत मैला हो रहा है यार, बहुत मैला हो रहा है, इसको नहलाना है ना आज, पर बस टेंशन हो गई यार, इसकी दोस्त की तबीयत खराब होगी, नहीं तो आज हमने इनको नहलाना था। अभी थोड़ा 2-3 दिन वेट कर लेते हैं कि चलो थोड़ा मसला हो यार। चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इससे तो पैंथर सही नहीं था फिर, जो खाता था, जैसा देते थे, जहाँ पे रखते थे, सर की याद आ रही है भाई, कुछ भी नहीं कहता था, खाई जाता था, एंजॉय लाइफ को, सही चिल में था वो यार। वो इनके तो नखरे खत्म नहीं होते, उसको उसको देखो, कभी ड्रिप लग रही है, कभी क्या डिहाइड्रेशन हो रही है, और इसको पता नहीं सॉफ्ट फूड खिलाएं, और ये करें वो, पेडिग्री पता नहीं क्या क्या यार। हमारा पैंथर जो भी खिला दो, वो तो भाई दाना खा जाता था इनका, और क्या कहते हैं उनकी, और तो और जो ये निकालते थे ना वो भी खा जाता था। फिर भी इसको कुछ नहीं होता था। खैर अब क्या कह सकते हैं, उसकी अपनी नस्ल, इसकी अपनी नस्ल भाई। आज इन दोनों का नाम मैंने डिसाइड कर लिया है, मम्मी एंड डैडी डॉग्स।
हाँ भाई, कैसे हो सब? ठीक हो यार? आज मैं सारा दिन मसरूफ रहा और ऊपर बहुत कम आया मैं। आपको पता है कि हमारा जो न्यू ड्राइवर वो बीमार हुआ था और अभी भी बीमार है यार। बस दुआ करनी है, परेशानी में रहा सारा दिन। अब इसको मैं दाना वगैरह डालता हूँ, पानी रखता हूँ। पानी मैंने सुबह रखा था, अब मैं शाम को आ रहा हूँ। बस परेशानी में समझ नहीं आई तो जल्दी से मैं पानी वगैरह रखता हूँ और इनको भी मैं देख लेता हूँ सब ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। और मेरे ख्याल में इसने दूसरा अंडा दिया और वो भी टूट गया। देख रहे हैं, इस लकड़ी पर दाग लगा हुआ है, मतलब इसने दूसरा अंडा भी दे दिया और वो भी टूट गया। शाबाश, आ जाओ, ये लो दाना भी खा लो। तो मैंने दोस्तों परिंदों को पानी और दाना डाल दिया है और अब मैं दोस्तों अंडे उठा लेता हूँ। 1, 2, 3, 5 टोटल। चलो चलो चलो, ऐसे जी। एक हमारी मूली फिश दोस्तों मरी हुई है यार, इनकी भी समझ नहीं आती। ये देखें, आपस में लड़ी हैं। यहाँ से देखें, यहाँ इसका जिस्म खाया हुआ है। हाँ सितैन, हो गई है सफाई? बस तकरीबन होने वाली है। हाँ अब ठीक है यार, सही है यार, अब ठीक है, सफाई हो गई है। और हमारी यार न्यू डॉग इस जेट बॉक्स में है। मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया था ताकि यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। बाहर ना ये गंद वगैरह खाती थी, काफ़ी कचरा है ना, तो इसको अब हम खोल देते हैं और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, चलो ऐश पीछे हो जाओ। ये जेट बॉक्स बंद। तो ऐश कह रहा है उसको कि मेरे साथ खेलो, तुम आज चुप क्यों हो? तो वो फिर गुस्सा भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ ऐश यार, उसकी तबीयत खराब है यार, बेचारी मजबूर है। बस दुआ करो कि ये ठीक हो जाए जल्दी से। तो भाभी, ये चुटकू ना ब्लैकी को तंग करने के लिए आया था, अभी दोबारा आ रहा था उसको तंग करने के लिए, लेकिन ब्लैकी ने एक नज़र देखा, अब ये देखे कैसे डर रहा है। हाँ भाई यार, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। जाओ तुम, जाओ उधर जाओ, अपने घर में जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, बाकी भाइयों के पास जाओ। शाबाश, कितना मासूम है वो डॉग, लेकिन नहीं, ना उसकी इससे बनती है ना इसकी उससे बनती है, दोनों एक दूसरे से तंग है यार। अभी अभी ना हमारी न्यू डॉग ने फिर से उल्टी कर दी है, तो मैंने डॉक्टर से रब्ता किया और उन्होंने मुझे बोला कि भाई इस आपकी डॉग को ना इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ऐश को इससे बिल्कुल दूर कर दीजिए। तो हम ऐश को ना लेके जा रहे हैं छत के ऊपर और ऐश हमारा 2-3 दिन छत के ऊपर रहेगा, इससे बिल्कुल दूर करना है हमने, नहीं तो ऐश को भी यार ये बीमारी लग जाएगी। चलो यार सिप्तान, बहुत टेंशन हो रही है यार, फिर मजीद बढ़ गई है। इधर ले आओ इसको। चलो शाबाश, हाँ हाँ यहाँ पर ठीक है, पक्की बात है। हाँ हाँ ये सही है, गुड फॉर्म में। तो अभी दोस्तों हम दूसरे वाले डॉग के पास जाते हैं, जो जो ट्रीटमेंट थी उसकी हम वो करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बस आपसे जाते जाते ही दुआ करूंगा कि हमारे उस न्यू डॉग के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सिप्तान चलो यार, उसको ग्रेविनेट सिरप भी पिलानी थी उल्टियों वाली, और उसको एंटीबायोटिक भी देना था, जल्दी चलो यार। फिर बाहर निकला यार ये, सारे के सारे ना जानवर हमारे डर गए यहाँ पर, क्योंकि बाहर निकल आया था वहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं यार, चिकन कोप में ही बंद करो। ओ भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे डर गए, पता नहीं क्या हो गया। चलो भाई चलो, इधर चिकन कोप में बंद करते हैं, बाकी चिकन को निकाल कर।